जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो आप जरूर देखिए, फॉलो कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आईब्रो जो है उसकी ग्रोथ इम्प्रूव हो, आईब्रो घनी हो लंबी हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों की आईब्रो की ग्रोथ बहुत स्लो होती है या फिर आईब्रो के बाल बहुत कम होते हैं, घने नहीं होते। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से पीड़ित है तो हमारी वीडियो देखिए। खासकर फीमेल चाहती है कि उनके आईब्रो घनी रहे, क्योंकि एक खूबसूरती में उनके चार चांद लगाती। तो अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके की आपको कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप करें और आपको तुरंत रिजल्ट दे, तो हमारी जो वीडियो आप देखिए और जो हमारा नुस्खा, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके लिए दोस्तों जो चीज़ें भी चाहिए बहुत ही सिंपल है, आपके घर पर मिलती है, और अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसको यूज़ करेंगे तो आप 15 दिन से लेकर महीने भर में इसका रिज़ल्ट बिल्कुल देखेंगे। आपकी आईब्रो घनी भी होगी, लंबी भी होगी, काली भी होगी। तो बात करते हैं इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए और किस तरीके से यूज़ करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको जो लेना है, आपको लेना है जैतून का तेल, जिसको ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं। आप जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल ले लीजिए इस तरीके से, और आप इसको मिला लीजिए। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो आप तिल का तेल ले सकते हैं, और अगर बादाम का तेल है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन जैतून का तेल थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा करता है इस सिचुएशन में। और इसके साथ में दोस्तों जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है, आपको लेना प्याज का रस। प्याज का रस बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है बालों की ग्रोथ के लिए, इसको आपकी दाढ़ी कम आती तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपके बालों के गंजेपन तक का इलाज अगर रेगुलरली आप यूज़ करते हैं तो जो ऑनियन रहता है, प्याज का रस रहता करता है, आप प्याज की एक चम्मच रस लीजिए इसमें और इस तेल में मिला लीजिए इस तरीके से, और अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। देखिए वो मिक्स कर लीजिए इन दोनों चीज़ों को। और दोस्तों जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके बाद में आपको अप्लाई करने का भी मेथड बता दूँ आपको किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। दोस्तों आपको रुई लेना है, ये देखिए इस तरीके से आपको रुई लेनी है, और रुई के आपको रुई लेते हैं इसमें हल्की सी रुई को इस तरीके से डाल दीजिए, और इसको फिर रुई की मदद से आप अपनी जो आईब्रो है उस पर अप्लाई कीजिए, आपकी आईब्रो पर अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करके आप छोड़ दीजिए, और इसको कम से कम 2 से 3 घंटे तक आप रहने दीजिए, आप इसको अप्लाई कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये आपकी आँख में ना जाए, क्योंकि आपको आंसू आ सकते हैं प्याज के रस की वजह से। तो आप इसको सही मात्रा में आप रुई के थ्रू अप्लाई कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। और ऐसा आप अगर दोस्तों कुछ दिनों तक रेगुलर बेसिस पे इस नुस्खे को आजमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बाल की ग्रोथ है वो काफ़ी इंप्रूव होगी आपके आईब्रो की ग्रोथ की, और साथ में आईब्रो को घनी भी करेगा और काली अच्छी घनी दिखने में मदद करेगा। तो दोस्तों प्लीज़ बताइए आपको ये नुस्खा कैसा लगा, और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, साथ में अगर कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे बताइए। धन्यवाद।